नमस्ते, मैं हूँ श्रद्धा और आज हम बनाएंगे चिकन रोल। इसके लिए मैंने यहाँ लिया है 250 ग्राम बोनलेस चिकन। ये मैंने लिया है थोड़ा सा दही। ये हम लेंगे एक चम्मच नमक, एक चम्मच चिकन मसाला, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर। ये लिया है एक चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट। थोड़ी सी हम चीनी लेंगे और रोल बनाने के लिए यहाँ हम लेंगे एक कटोरी मैदा, एक ओनियन। ओनियन हम राउंड शेप में काट लेंगे। ये मैंने मेयोनीज लिया है और लास्ट में हम एक कोयला लेंगे। हम चिकन को मैरिनेट करके रखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ ऐड किया है 2 चम्मच दही, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच चिकन मसाला और 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आधे घंटे के लिए साइड में रख देंगे। तब तक हम रोल के लिए डो तैयार कर लेंगे। यहाँ मैंने 1 कटोरी मैदा लिया है। यहाँ हम ऐसे सेंटर में थोड़ी जगह बना लेंगे और इस जगह पे हम ऐड करेंगे 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच नमक और थोड़ा सा तेल। अब हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे और अच्छे से डो तैयार कर लेंगे। यहाँ आप देख सकते हो मैंने डो तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा ऑयल लगा लेंगे। अब हम इसे आधे घंटे के लिए ढककर साइड में रख देंगे। आधे घंटे के बाद हम ये चिकन पका लेंगे। इसके लिए मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल लिया है। इसमें हम मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे। ये चिकन हम अच्छे से पका लेंगे। हमारा चिकन पूरी तरह से पक चुका है। अब हम कोयला अच्छे से गरम कर लेंगे। जब कोयला अच्छे से गरम हो जाए तब कढ़ाई में हम बीचों बीच ऐसे एक कटोरी रख देंगे। इस कटोरी में कोयला रखेंगे और तुरंत उसके ऊपर थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे और ढक देंगे। यहाँ आप देख सकते हो चिकन बिल्कुल रेडी है। ये चिकन हम चम्मच से थोड़ा मसल लेंगे ताकि हम जब रोल बनाएंगे तब ये उन रोल में अच्छे से रैप हो जाए। यहाँ आप देख सकते हो हमारा डो भी अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम रोल बनाने के लिए रोटी तैयार कर लेंगे। यहाँ मैंने गैस पे पैन रखा है। अब हम नॉर्मल इस आटे से एक रोटी बना लेंगे।
यहाँ आप देख सकते हो मैंने एक छोटी रोटी तैयार की है। इस पर आप घी ऐड कीजिए और इसे आप दोनों साइड से अच्छे से सेक लीजिए। ये रोटी कुछ इस तरह से तैयार होगी। अब हम इस रोटी के ऊपर मेयोनीज का एक पतला लेयर लगा लेंगे। अब इस पर हम ऐड करेंगे चिकन और थोड़ा ओनियन। अब हम इसे अच्छे से रैप कर लेंगे। तो ये बिल्कुल रेडी है हमारा चिकन रोल। ये रेसिपी आप घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए और आपकी ये रेसिपी कैसे बनी ये मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।